हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आपसे के स्वागत है अमानत यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फुल एचडी में पोस्टर डिजाइनिंग किया है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फुल जूम करने के बाद, यहाँ पे थोड़ा भी कहीं भी जो भी मैं यहाँ पे फंड का यहाँ पे जो भी एल्बम का नाम लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा भी नहीं फट रहा है। और यहाँ पे दो चेहरा जो भी है पूरा क्लीन दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्सेलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर से पिक्सेलैब एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, अगर आपके पास नहीं है तो, और है तो आपको पिक्सेलैब एप्लीकेशन को डायरेक्ट ओपन कर लेना। तो हमें यहाँ पे पिक्सेलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इमेज साइज सेलेक्ट कर लेना है पहले यहाँ पे। तो आपको यूट्यूब साइज का पोस्टर बनाना है, तो आपको यहाँ पे जिससे छोटा सा एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से साइज सेलेक्ट हो गया। उसके बाद न्यू टेस्ट को डिलीट कर देंगे, यहाँ पे नेटवर्क्स को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको अपने सॉन्ग के हिसाब से जिस तरह का मस्त पोस्टर बनाना है उसके हिसाब से कोई अच्छा सा एक बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेना है। आपको क्रोम ब्राउज़र से आपको डाउनलोड कर लेना। क्रोम ब्राउज़र में आप बैकग्राउंड इमेज सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारा इमेज मिल जाएगा। आपको वहाँ से कोई भी अच्छा सा एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो बैकग्राउंड ऐड करने के आप ऊपर प्लस वाइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और कोई भी एक बैकग्राउंड में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे नीचे में, ये वाला बैकग्राउंड इमेज मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और इसका जो साइज हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से कट करके, और इसको हम इस तरह से रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरह से जूम कर लेंगे पूरा, मतलब इसको फुल साइज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोस्तों आपको कोई भी मॉडल्स का एक फ़ोटो ले लेना है। तो फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से मैं एक मॉडल्स का पीएनजी ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपको फोटो को पीएनजी में करना नहीं आता है तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से उस फोटो को देख वीडियो को देख लीजिएगा और फोटो को पीएनजी में कर लीजिएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ ये वाला जो मॉडल का पीएनजी है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं और इसको थोड़ा और साइज हम यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके इस तरह से यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं। देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको सिंगर का इमेज ले लेना है, उसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंगर का इमेज ले लेना है। तो मैं यहाँ पे सिंगर का इमेज ऐड कर देता है। तो देखिए ये वाला सिंगर का मैं यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ यहाँ से इतना, इसको साइज इतना हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको थोड़ा साइड में इस तरह से एडजस्ट यहाँ पर कर देते हैं। और इसका जो साइज थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद इन सबको लॉक कर देंगे, इस तरह से लॉक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एल्बम का नाम लिख लेना है पहले। तो एल्बम का नाम लिखने के लिए दोस्तों जो मैं यहाँ पे जो एल्बम जो फंड यूज किया है उस फंड का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उसका जो पासवर्ड रहेगा आपको इसी वीडियो में कहीं एक जगह मिल जाएगा। और इसका PLV फाइल चाहिए तो आपका उसका भी पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो फंड और PLV फाइल का पासवर्ड, दोनों का पासवर्ड एक ही रहेगा, तो आपको दोनों में एक ही पासवर्ड डालेंगे तो ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यूनिकोड बैड एप्लीकेशन में फंड को डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पहले से ऐड करके रखा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता है। यूनिकोड बैड एप्लीकेशन में अगर आपको ऐड करना नहीं आता है तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐड करके रखा है और पहले से यहाँ पर एल्बम का नाम लिख के रखा है ताकि कुछ ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, लिख के जो भी एल्बम का नाम लिखना है उसको लिख के यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों पिक्सेल एप्लीकेशन में आ जाएंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। जो वहाँ से हम कॉपी किए उसको हम यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों फ्रंट में आएंगे और माई फ्रंट में आएंगे। माई फ्रंट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रंट को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे फ्रंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको साइज थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसमें हम यहाँ पे कलर कर देते हैं। पहले यहाँ पे देखिए कलर पे क्लिक करेंगे
और नीचे वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस तरह से कलर हम कर देंगे। अगर आप में इस तरह से कलर शो नहीं कर रहे तो आपको इस तरह से यहाँ पे शो करेगा, आपको यहाँ पे देखिए ये वाला कलर शो करेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है, उसको बस यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक करना है और जहाँ पे ब्लैक कलर है वहाँ पे आपको रेड कलर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। और जहाँ पे व्हाइट कलर है आपको वहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से, और यहाँ से ओके कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से कलर सेलेक्ट हो, इसको थोड़ा आप यहाँ पे इस तरह से बीच में ला देंगे और इस तरह से कर देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कलर सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके अलग अलग कट कर लेंगे। तो हम यहाँ से अलग अलग कट कर लेते हैं, पहले यहाँ पे देख सकते हैं सबको अलग अलग यहाँ पे कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इतना और आपका एल्बम का नाम जो बड़ा है तो आपको इस तरह से लिख लेना है। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा स्टाइलिश में हम इसको यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर दें, इसका जो साइज़ है थोड़ा हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से साइज को बड़ा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे थोड़ा इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे इसके नीचे इस तरह से करके यहाँ पे, और इसका थोड़ा साइज हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे और इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पे इससे इसका यहाँ पे इसको नीचे कर लेंगे, इसका थोड़ा साइज हम यहाँ पे छोटा कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे वाले को कलर चेंज कर लेना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कलर पे क्लिक करना है, आपको जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो कलर आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये वाला कलर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे तीनों में देखिए इस तरह से कलर ऐड कर देंगे। कलर ऐड करने बस दोस्तों आपको क्या करना है, सबको एक साथ मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टॉक दे देना है। स्टॉक देने के लिए आपको यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करेंगे, इनेबल कर लेंगे और यहाँ पे व्हाइट कलर का स्टॉक दे देंगे। आपको स्टॉक यहाँ पे 6 पॉइंट तक देना है इस तरह से, इस तरह से हम सभी में स्टॉक यहाँ पे 6 पॉइंट तक दे देते हैं। और उसका जो कलर रहेगा व्हाइट आपको रखना है, और यहाँ से हम इसको भी यहाँ से स्टॉक दे देंगे 6 पॉइंट तक, और कलर हम यहाँ पे व्हाइट कर देंगे और ऊपर वाले में भी ऐसा ही कर देंगे, और यहाँ पे व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी 6 पॉइंट तक इस तरह से रख लेंगे, और इसको भी हम इसी तरह से कर लेंगे यहाँ पे, और 6 पॉइंट तक इसको भी रख लेंगे। उसके बाद एक सभी को एक साथ मर्ज कर लेंगे, तो हम यहाँ पे सभी को एक साथ मर्ज कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोनों को सभी को टिक लगा देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको एक साथ मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक साथ सभी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से नीचे खींच लेना है और इसको यहाँ से इस तरह से कर लेना है, और ये फिर इसको आपको यहाँ पे साइज अपने हिसाब से यहाँ पे जितना बड़ा रखना चाहते हैं इसको उस तरह से आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको साइज को यहाँ पे खींची, इस तरह से बड़ा कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बीच वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3D शॉप पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर लेना है, और इसको भी इनेबल करके यहाँ पे आपको 3 या 4 पॉइंट तक रख लेना है। उसके बाद कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेना है आपको, और ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको इसको पूरा 0 कर देना है, और यहाँ पे इसको आपको इस तरह से रोटेट अपने हिसाब से आपको कर लेना है, और यहाँ से आपको लाइटली आपको अपने हिसाब से यहाँ पे रख लेना है, और इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे अपने हिसाब से, आपको जिधर एडजस्ट करना है उस तरह से एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी सिंगर का नाम रहेगा वो आपको लिख लेना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पे इस तरह से सौर लिख देंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से सौर, और यहाँ पे 2 बिंदी दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो भी सिंगर का नाम रहेगा वो नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख देते हैं पूजा मौर्या। उसके बाद हम इसको यहाँ पे नीचे इस तरह से ला देंगे, और उसके बाद दोस्तों कोई भी फंड आपके पास रहेगा सिंगर जो फंड रहता है सिंपल फंड, वो सिंपल फंड आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे कलर थोड़ा आपको यहाँ पे कलर दे देना है, कलर देने के लिए आपको यहाँ पे इतने को आपको यहाँ पे ब्लैक कलर यहाँ पे रेड कलर कर देंगे, और इसको हम यहाँ ब्लैक कलर दे देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टॉक दे देते हैं वाइट कलर का, आप वाइट कलर का स्टॉक दे देंगे, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको गीतकार या संगीतकार जो भी नाम लिखना है
तो आपको लिख लेना, तो उसको भी लिए आपको इसी तरह से लिख लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गीत इस तरह से, पूजा मौर्या, संगीत दिनेश दीवाना, और इस तरह से लिख के आपको सहयोगी का जो भी नाम लिखना है यहाँ पे, जो भी लिखना चाहते हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे दो दो बिंदी जो है, ये दो बिंदी आपको यहाँ पे दे देना इस तरह से, और ओके कर लेना। ओके करने बस दोस्तों आपको यहाँ पे बीच वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं जो डिजाइन यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको बीच वाले में क्लिक कर लेना है। और उसके बाद जो इसका साइज है आपको यहाँ पे इस तरह से छोटा कर लेना है। यहाँ पे साइज को छोटा करके इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों को यहाँ पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर लेना है इस तरह से। और फिर इसमें भी हमको कलर, इसमें भी आपको कलर कर देना है। तो आपको पहले यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे यहाँ से रेड कलर इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से रेड कलर इस तरह से यहाँ पे सब पे कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों इसमें क्या करना है, स्टॉक दे देंगे व्हाइट कलर का इसमें भी, तो हम यहाँ पे व्हाइट कलर का स्टॉक दे देंगे इस तरह से, और ओके कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चैनल का आपको नाम लिख लेना है, तो चैनल का नाम आपको इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पे जो भी आपको चैनल का नाम रहेगा तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, बड़ा लेटर में लिखना है। पावर फिल्म्स परजेंट्स में यहाँ पे लिख लिया, और इसको हम यहाँ से साइज इसका हम इस तरह से थोड़ा छोटा करके और इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, यहाँ नीचे आएंगे तो देखिए ये वाला फॉन्ट है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये वाला जो फॉन्ट है, ये वाला, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पे इस तरह से इसकी मदद से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कलर कर देंगे। कलर करने के लिए यहाँ पे हम ये इसको येलो कलर कर देंगे। यहाँ पे इसके पीछे और बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर लेना है। और इस साइड में 6 पॉइंट तक रख लेना है, और यहाँ पे भी राइट साइड में 6 पॉइंट तक रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे टॉप में आपको इसी तरह से रखना है। और उसके बाद यहाँ पे रेडियस में आप कुछ करना चाहते हैं इस रेडियस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से करके आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा और से हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बढ़ा लेंगे, 10 तक कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से बढ़ा के इस तरह से कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे चैनल का नाम। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपने चैनल का लोगो लगा लेना है कॉर्नर में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे और ब्लर PNG है यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप नीचे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, धुंधला कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक, मैं PNG दे दूंगा उसको, उस PNG को आपको ऐड कर लेना है। तो PNG मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो देखिए ये वाला PNG है, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ब्लर PNG। और इसका जो साइज हम इस तरह से फुल कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे, और इसके बाद इसको हम टू बैक कर देंगे। यहाँ पे टू बैक करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको उंगली से प्रेस करके इसको यहाँ से सरका देंगे ऊपर। ऊपर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर लेना है और इसको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते थोड़ा अलग यहाँ पे हो गया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है और सेव एज इमेज पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, सेव कर लेना है दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अगर इसको HD में करना चाहते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल्स में बताया हूँ किस तरह से आप पोस्टर को HD में कर पाएंगे। तो दोस्तों आप रेमनी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके भी आप यूज कर सकते हैं, और आपको पता है तो नहीं तो उस वीडियो में को देख लीजिएगा किस तरह से डाउनलोड करके और किस तरह से पोस्टर को वहाँ पे HD में करते हैं, वो सब अब उस वीडियो में बताया हूँ, तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।